हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीनी टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत कीड़ों के दो मैसेंजर से होती है, जिनमें से एक को टेमेक्टिव जून के आदमियों ने मार डाला है और टेमेक्टिव जून ने दूसरी लड़की को बांधकर उससे टॉर्चर करते हुए रानी केन का पता पूछता है और वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत देखकर तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए और शायद तुम्हें देखकर कुछ लोगों को रहम आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी उंगलियां और उसके बाद पैरों की उंगलियां तब तक काटता रहूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती और ये सिलसिला रात दिन चलता रहेगा। और टेमेक्टिव जून प्रिंसेस मागरा के पास आकर उससे यही कहता है कि मुझे रानी केन की लोकेशन मिल गई है और हम रानी केन को ढूंढने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। और टेमेक्टिव जून बुट्स के बारे में बताते हुए उससे यही कहता है कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन इसके देखने की वजह से मुझे शक है कि ये भी जेरामेरेल का बेटा है, जिस पर मागरा हामी भर देती है। और जब मागरा और टेमेक्टिक जून में उसके फैमिली को लेकर सर्च करने की बहस चल रही होती है, तभी बोट्स उसकी तरफ उठकर खड़ा हो जाता है, जिस पर टेमेक्टिक जून उससे यही कहता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास आंखें होने की वजह से तुम मुझे आसानी से निपटा दोगे तो इस बारे में तुम्हें फिर से विचार करना चाहिए। और फिर मागरा के कहने पे टेमेक्टिक जून यहाँ पे 8 आदमियों को छोड़कर रानी केन को बचाने के लिए अपनी सेना लेकर चला जाता है। और इधर बाबा बॉस और उसकी फैमिली धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है, जहाँ रास्ते में पेरिस हनीवा से यही कहती है कि तुम्हें बाबा बॉस से बात करनी चाहिए, जिस पर हनीवा उससे यही कहती है कि क्या ये इतना सरल है, और पेरिस उसका जवाब देते हुए उससे यही कहती है कि हाँ ये इतना ही सरल है, जब तक तुम उसका मौन खत्म नहीं कर देती तब तक तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए, जिस पर बाबा बॉस एक जगह रुककर उससे यही पूछता है कि अब हम अपनी मंजिल से कितने दूर हैं। और हमें देख के पता चल जाता है कि वो लोग हाउस ऑफ इनलाइटमेंट के बहुत ज्यादा करीब हैं। और इधर जब रानी केन को कोरा खाना देने आती है तो वो उस खाने को फेंक देती है, और जब भी उसके हाथ में बंधी हुई घंटी बजती है सुरक्षा कर रही औरतें उसे आकर ठोक जाती हैं। और जब कीड़ों का सरदार जेरामेरेल के बारे में बातें करते हुए उससे जब कहता है कि उसने तुम्हें प्यार करके धोखा देते हुए तुम्हें छोड़ दिया, तो रानी केन अपने दर्द को भुलाने के लिए फिर से घंटियों को बजाकर और दर्द सहने के लिए तैयार हो जाती है। और इधर बाबा बॉस और उसकी बची हुई फैमिली लवेंडर रोड पे जाते हुए उस जगह के करीब जाने लगती है, जहाँ वो कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुक जाते हैं। और जब हनीवा आग जलाने के लिए लकड़ी खोज रही होती है, कोपून उसे केज में बर्ताव के लिए माफी मांगता है, जहाँ वो दोनों एक साथ बैठकर अपनी फैमिली और जेरामेरेल के बारे में बातें करने लगते हैं। और हमें उनकी बातचीत से ये अंदाजा हो जाता है कि कोफून अपने नए पिता से मिलने से ज्यादा अपनी बची हुई फैमिली से बाबा बॉस से दूर जाने का गम है। और इधर बाबा बॉस की जब एक बुरे सपने से नींद टूटती है, तो पेरिस और बाबा बॉस की बातचीत से हमें पता चलता है कि बाबा बॉस की हालत ठीक नहीं है। और फिर सुबह हो जाने के बाद जब वो लोग लेवेंडर के रास्ते पे जाने लगते हैं, तो इंसानी लाशों की बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से सभी की हालत धीरे धीरे करके खराब होने लगती है, जहां पास जाने पे पता चलता है कि किसी ने इंसानों की लाशों को मारकर टांग दिया है, जहां हमें उनकी बातों और जेरामेरेल के मैसेज से पता चलता है कि ये सारी लाशें इसीलिए टांगी गई है। इस रास्ते पे आगे बढ़ने से पहले कोई भी 100 बार सोचे, क्योंकि क्या पता उसकी भी हालत ऐसी ही हो, जिस पर बाबा बॉस उन लोगों से यही कहता है कि अब हम इतनी दूर आकर वापस नहीं जा सकते और मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मेरी पत्नी का बलिदान किस लिए हुआ है। और फिर वो लोग उसी रास्ते पे धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। और इधर कोफून कीड़ों के महल में आकर यहाँ के सारे पहरेदारों की स्थिति टेमेक्टिव जून को बता देता है, जिसके बाद टेमेक्टिव जून सारी परिस्थितियों को आंकने के बाद मागरा के मना करने के बावजूद भी वो अकेले ही उन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ता है, और फिर एक एक करके वो उन सभी लोगों को मार डालता है जो उसकी पैरदारी कर रहे होते हैं। और इधर कोरा और रानी केन मिलकर कीड़ों के सरदार को निपटा देती हैं। और टेमेक्टिव जून रानी केन के पास आकर उससे यही कहता है कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और जब मागरा उसके चोटों पे मरहम लगाने के लिए आती है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। और जब मागरा रानी केन का हाथ पकड़कर रोने के बाद खुद को संभालते हुए उसका हाथ छुड़ाकर उससे यही कहती है कि मुझे खेद है कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ, जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि मागरा अब तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए जब तक कि मैं तुम्हें पूरी खबर ना सुना दूं। और फिर वो अपने सारे काले कारनामों को सभी लोगों को बता देती है, और वो उन लोगों से यही कहती है कि और तुम लोग सैनिकों को यही बताओगे कि ये सारी चीजें ईश्वर के प्रकोप से हुई है, जिस पर टेमेक्टिक जून उससे यही कहता है कि बार वो सारे सैनिक
20 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जंग खत्म होने के बाद वो अपने परिवार से मिलेंगे और यही चीज उन्हें अब तक हौसला देती रही है और आपने ये सब उनसे छीन लिया है। जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि मुझे जो करना चाहिए था वही मैंने किया है ताकि हमारा वंश बचा रहे। जिस पर टमेक्टी जून उससे यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर जाऊं और अपने सैनिकों से ये कहूं कि तुमने उनके सारे परिवारों को इसलिए खत्म कर दिया ताकि तुम अपना वंश बचा सको और मैं उन्हें जहां भी बताऊं वो बस चुपचाप मेरे साथ चलते रहे। जिस पर रानी केन उससे यही कहती है कि वो तुम्हारे आदमी नहीं है, वो मेरे आदमी है और जो मैं उनसे कहूंगी वो वही करेंगे क्योंकि मैं उनकी रानी हूँ। जिस पर टमेक्टी जून मागरा के पास आकर उससे यही कहता है कि परसों बाद मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारा साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती की है और हमें इस पर फिर से सोचना चाहिए। और इधर बाबा बॉस आगे चलते हुए कुछ दूर जाकर रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आगे कुछ ना कुछ खतरा है और जब वो एक पत्थर पकड़कर आगे फेंकता है तो बहुत सारे तीरों की बारिश हो जाती है और फिर कोफून के बताने पर अपने फावड़े से एक का काम तमाम कर देता है और जब उसका तीर धनुष और हथियार गिर जाता है तो वो लायन यानी कि शैडो उसे लेने के लिए आगे बढ़ जाती है और जब वो सारी चीजें लेकर चुपके से आ रही होती है तभी एक तीर गिर जाने की वजह से वो लोग उस पे हमला करने लगते हैं और वो लायन घायल हो जाती है। और जब उन आदिवासियों को ये पता चलता है कि वो हनीवा और कोफून है तो वो लोग उनसे यही कहते हैं कि इस रास्ते पर सिर्फ हनीवा और कोफून ही जा सकते हैं और कोई भी नहीं, यही उनका रूल है। और जब हनीवा उस रास्ते पे चलने के लिए कोफून से लड़ने लगती है तो बाबा बॉस उन्हें रोकते हुए यही कहता है कि हमने अपने घर से बहुत दूर तक यात्रा की है और इसके लिए हमने कीमत भी चुकाई है और मैंने इस पल के बारे में बहुत पहले ही सोच रखा था लेकिन मैं पेरिस की बातों को कभी मानना नहीं चाहता था। और हर बच्चे की जिंदगी में एक पुल ऐसा आता है जिसे उसे अकेले ही पार करना होता है और वो उनसे ये भी कहता है कि जिस दिन से तुम पैदा हुए हो उस दिन से लेके आज तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा हूँ। और दुनिया का हर पिता अपने बच्चों के लिए यही करता है और उस पिता को ये भी मालूम होता है कि एक पल ऐसा आएगा जब उसके बच्चों को अपना रास्ता खुद चुनना होगा और ये अब वही समय है। जिस पर कोफून उसे यही कहता है कि ये सच नहीं है और हनीवा उसे यही कहती है कि ये सच है और हनीवा उसे ये भी कहती है कि हम लोग और बाबा बॉस एक अलग दुनिया में जी रहे हैं और ये बात इन्हें मालूम है। जिस पर बाबा बॉस उनसे यही कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ और वो हनीवा से ये भी कहता है कि तुम पूरी तरह से गलत हो, जिस दिन से तुम हमारी दुनिया में आई हो तुम ही लोग हमारी दुनिया हो और ये सच है कि मैं अंधा जरूर हूँ लेकिन यकीन मानो मैं तुम दोनों को देख सकता हूँ और वो दिन आ गया है जब तुम अपने असली पिता से मिलोगे। जिस पर कोफून उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है। और फिर बोलाइन के पैरों के तीर को तोड़कर उसे उठाकर जाते हुए यही कहता है कि अपनी माँ मागरा को हमेशा याद रखना और किसी भी कीमत पे एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। और फिर पेरिस भी उन लोगों से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर कोफून और हनीवा एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस रास्ते की तरफ चले जाते हैं। और जब हनीवा और कोफून उस ब्रिज पे चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ की लाइटें अचानक जल जाती है और इस एपिसोड की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।